आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फॉर मी और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज की टॉप 10 खबरें कुछ इस तरह से हैं। जनहित में जारी का टाइटल ट्रैक आया सामने, सब पर भारी पड़ती दिखी नुसरत। इस गाने को आवाज दी है रफ्तार और नकाश अजीज ने। इस गाने में वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र किया गया है। फिल्म में नुसरत एक सेल्समैन की भूमिका निभाने वाली है जो कॉन्डम बेचती है। ये फिल्म 10 जून से सिनेमाघरों में देखी जाएगी। शाहरुख खान ने डार्क मैन को किया कॉपी, जवान का टीजर देखकर फैंस हुए कंफ्यूज। बीते दिन शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जवान का टीजर सामने रखा। इस टीजर के सामने आने के बाद हर किसी ने शाहरुख की तारीफ तो की, लेकिन कई सारे यूजर्स ने शाहरुख खान के लुक को देखने के बाद इसे 1990 में आई फिल्म डार्क मैन से कंपेयर किया। कई लोग ने कहा कि ये तो हॉलीवुड की डार्क मैन लग रही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान को एटली ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म साल 2023 जून के महीने में देखी जा सकती है। कंगना रनौत की लास्ट फिल्म धाकड़ के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद अब मेकर्स बना रहे हैं मन कि उनकी अपकमिंग फिल्म तेजस को OTT पर रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई थी कि मेकर्स ने ये मन बनाया है कि तेजस को OTT पर रिलीज किया जाएगा। ये न्यूज सामने आने के बाद मेकर्स ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा है कि इस फिल्म को अभी भी थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा। नयन थारा नहीं समानता रुद्र प्रभु थी SRK की फिल्म जवान के लिए फर्स्ट चॉइस। साल 2019 में जवान फिल्म के लिए समांथा रुद्र प्रभु को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त वो शादीशुदा थी, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और परिवार के लोग उनके इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये फिल्म नयनतारा के पास चली गई। 3 जून को रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, मेजर और विक्रम तीनों ही फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन सामने आ गया है। सम्राट पृथ्वीराज का नेट कलेक्शन 10.50 करोड़ रहा, वहीं मेजर फिल्म का ग्लोबल कनेक्शन 13.4 करोड़ रहा, वहीं विक्रम फिल्म का नेट कलेक्शन 34 करोड़ रहा। जल्दी चिता के सामने मुस्कुराते नजर आए केके के बेटे और पत्नी, तस्वीर देख लोगों ने सुनाई खरी खोटी। केके के अंतिम संस्कार के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं कि आखिर अंतिम संस्कार करने के बाद ये दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हैं, जिस पर कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि वीडियो को जिस एंगल से शूट किया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, पर असल में नहीं है ऐसा कुछ भी। आईफा 2022 में AR रहमान को मिला स्टैंडिंग ओकेशन, देवी श्री प्रसाद का अलग अंदाज देख सब हुए हैरान। पुष्पा पार्ट 1 के लिए उन्होंने श्री बल्ली के लिए काम किया था। आईफा 2022 में इस गाने पर वो थिरकते हुए नजर आए। वहीं हनी सिंह ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान AR रहमान के पैर छुए और सभी का दिल जीत लिया। सिंगर शान और टेरेंस लुइस ने अपने अंदाज में केके को श्रद्धांजलि दी है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके ये बात साझा की है। शान ने केके के गाने पल का सहारा लिया, तो वहीं टेरेंस लुइस ने सच कह रहा है दीवाना इस गाने का सहारा लेते हुए दोनों ने ही अपने फेवरेट सिंगर केके को श्रद्धांजलि दी है। यामी गौतम और उनके पति आदित्य ने आज शादी के 1 साल पूरे कर लिए हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है। दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इस बात की खुशी जाहिर की है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि दोनों की अनसीन पिक्चर्स शादी के दिन से शेयर की गई है। पति संग बेबी मून एंजॉय कर रही है प्रेग्नेंट सोनम, शेयर की नो मेकअप सेल्फी। सोनम कपूर का ये अंदाज उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है और गले में गोल्डन चेन पहनी है। सोनम कपूर उनके पति के साथ इस साल अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज की हमारी टॉप 10 खबरें आपको कैसी लगी? लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग फर्स्ट इंडिया फिल्मी।